स्वागत है मेरे चैनल वी स्टडी क्लासेस में। मैं जयदेव कुमार आप लोगों को आज 10वीं कक्षा का चौथा चैप्टर जिसका नाम है मनुष्यता, उसके बारे में पूर्ण सार तथा उससे जुड़े हुए सभी भावार्थ बताऊंगा तथा इसके बाद इसका कठिन शब्दों को मैं अर्थ के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको तीनों चैप्टर को लेकर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पाठ का जो लेखक है उनका मैं परिचय कराना चाहता हूँ। इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। तो उनका जन्म हुआ था आपको 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। और कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था चिरगांव नामक एक स्थान पर। अब शुरू करते हैं इस पाठ का सबसे पहला पंक्ति जो है, विचार लो कि मरते से हो ना, मृत्यु से डरो कभी मरो, परंतु यू मरो की याद जो करे सभी, हुई ना यू सुमित्यु तो वृद्धा मरो वृद्धा जिए, मारा नहीं वही जो जिया नहीं आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप आपके चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें जो कठिन शब्द है वो है सबसे पहला मर्तय्य। मर्तय्य मतलब कि मृत्यु। अगला शब्द है यूही, यूही मतलब कि ऐसे। अगला जो शब्द है वो है प्रथा, प्रथा मतलब कि बेकार। अगला शब्द है प्रवणी, प्रवणी मतलब कि प्रवृत्ति। अब देखिए इस जो श्लोक में या फिर इस जो पंक्ति में कहा है कवि ने क्या कहा है। कवि कहते हैं कि हमें जान लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए कि हर एक मनुष्य का मृत्यु एक निश्चित समय पर होती है। ईश्वर ने हमको जन्म दिया है तो एक समय भी रखी है कि हमारा मृत्यु इस टाइम में होगा ही, ठीक है। तो हमें ये चीज से परिचय कर लेना चाहिए कि हमारा मृत्यु निश्चित है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमें अभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। अगर हमने जन्म लिया है, इस दुनिया में आए हैं, तो एक दिन ना एक दिन हमारी मृत्यु होना निश्चित है, तो हमें कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ताकि उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए, ठीक है। अगला कभी क्या कहते हैं कि हमें जब इस जीवन मिला है तो इस पृथ्वी में हमें ऐसे काम करना चाहिए ताकि हमें मरने के बाद अफसोस ना हो। हम मरने के बाद क्या हो, हमें अपने सुकर्म यानी कि अच्छे कामों के लिए याद किया जाए या फिर हमें अच्छे कामों के लिए जाना जाए, ठीक है। और कभी क्या कहते हैं कि मनुष्य कभी नहीं मरता है, मतलब कि इसका मतलब क्या, कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपनों के कर्मों के बल पर कभी नहीं मरते हैं। मतलब हम लोगों को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हमें कभी भी मरणशील ना समझा जाए। क्या कि आपको आपके कामों से याद करके आप सदा अमर बने रहे, ठीक है। अब कभी कहते हैं, कभी इस पंक्ति में और एक बार कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अपना जो दुख दर्द दूसरे मनुष्य के साथ शेयर करे, उनके साथ उनको बांटे, ताकि वो आगे उन सभी को भी मदद कर सके। मतलब मनुष्य को मनुष्य के लिए मरना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप स्वार्थी होकर अपने पास ही रहे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ही बता दिया था कि मैंने कि मनुष्य अपने कर्मों के बल पर याद रहते हैं। मनुष्य तो मरणशील है किंतु अपने कर्मों के बल पर वो सदा अमर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो पंक्ति है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। इसमें क्या कहता है, उदार मतलब होता है कि श्रेष्ठ, ठीक है, यानी कि महान। अगला जो है बखानती, मतलब जब गुण गाया जाता है, जो अच्छा इंसान होता है उनका गुण गाया जाता है। अगला जो शब्द है वह है धरा, धरा यानी कि धरती। उसके बाद है कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब कि ऋणी, जब आपका ऋण हम पर है। सजीव मतलब जीवित, कूजती मतलब करना, अखंड मतलब जिसको टुकड़े किए ना जा सके, और असीम मतलब पूरा। अब देखिए इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य जो है पूरे जीवन दूसरे की चिंता करते हैं और महान व्यक्ति का गुणगान गाते हैं, जिस महान व्यक्ति ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसका वो गुणगान करते हैं। बोलता है जिस प्रकार की सरस्वती पुस्तकों में किया जाता है, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि सरस्वती की हम लोग गुणगान किस में करते हैं, पुस्तकों में करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने बातचीत, अपने व्यवहार, अपने रीति रिवाज और अपने साथ में भी ऐसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि पूरा संसार हमें अमर समझे और हमारी गुणगान करे।
मनुष्य को अपने अंदर अखंड भाईचारा, अखंड मतलब कि एक दूसरे से मिलावट, एक दूसरे का मदद, इस तरह का हम लोगों के साथ स्वभाव रखना चाहिए, ताकि ये जो देश है, ये जो राज्य है, ये जो पृथ्वी है, वो सदा आपको याद करे आपके अच्छे कर्मों के वजह से। इसीलिए कभी फिर से कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य की चिंता में रहे, या मनुष्य को मनुष्य के हिसाब से पहचाने और एक दूसरे का मदद कर सके। अगला पंक्ति में क्या कहते हैं कि क्षुदार्थ रंती देव ने दिया कर सस्थल थाल भी, तथा दीजती ने दिया प्रात अस्थि छाल भी, उसी नगर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर में चर्म दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डरे। इसमें देखिए क्षुदार्थ मतलब कि होता है कि भूख से परेशान, अगला जो है करस्त यानी कि हाथ की, परात मतलब कि पूरा, अस्थियां जाल मतलब हड्डियों का समूह, उसी नगर मतलब कि उसी नगर का जो राजा था उनका नाम था सिवी, सहर्ष मतलब खुशी से, शरीर चर्म मतलब कि शरीर के साथ कवच। इसमें कभी क्या कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो पौराणिक कथाओं से भरी हुई है, इन पौराणिक कथाओं में बहुत सारे ऐसी पौराणिक कथा है जो दान निस्वार्थ भाव के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। इन्हीं में से एक था कि जब भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, क्या किया था, जब रतिदेव एक राजा थे और उनके सामने एक भिखारी थे और उनका एक आखिरी खाना था, लेकिन वो खाना खाए नहीं और वो अपना थाली किसको निस्वार्थ भाव से उस भिखारी को दान में दिया। उसी प्रकार से क्या था, महर्षि दिदीची ने अपना पूरा शरीर वज्र बनाने के लिए इंद्रदेव को दान में दे दिया। उसी प्रकार हम सभी जानते हैं कि महाभारत में एक बहुत ही बड़े दानवीर का उल्लेख था जिसका नाम होता है कर्ण। कर्ण ने भी अपने शरीर का जो कवच और कुंडल एक ब्राह्मण को दान के रूप में दे दिया था। इनके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक राजा जिन्होंने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपना स्वयं का मांस काट कर उस चील को दे दिया ताकि उससे उस पक्षी बच सके, और उसने ये सब किस लिए किया, एक निस्वार्थ प्रेम के वजह से, एक दूसरे के भावना के परिचय को दिखाने के लिए किया। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ही मरे। अगला जो पंक्ति है वह है सहानुभूति चाहिए महाविभूति यही है, बसिकता सदैव है बनी वही स्वयं माही है, विरुद्ध भाव बोध का दया प्रभाव वहा, विनित लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, अह वही उदार है परोपकार करे, जो मनुष्य है वो मनुष्य के लिए ही मरे। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, सहानुभूति मतलब होता है दया भाव, ठीक है। अगला जो शब्द है महाविभूति यानी कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति। अगला है बसीकृता, बसीकृता मतलब बस में करने वाला। अगला जो शब्द है मही, मही मतलब ईश्वर, और विरुद्ध बाद मतलब कि खिलाफ होना। इसमें कभी क्या कहते हैं कि मनुष्य के मन में हमेशा दया करुणा ऐसा भाव होना चाहिए, वही नहीं कि सबसे बड़ा धन है। ऐसा होता है कि बहुत मनुष्य के पास बहुत संपत्ति है, बहुत ज्यादा जायदाद है, वो उसका मेन संपत्ति नहीं है, उसका प्रमुख संपत्ति नहीं है। उसका प्रमुख संपत्ति क्या है, उसके अंदर में स्थित मन में दया, उसके बाद दयालुता, कृतज्ञपन, दूसरे का मदद करने का परोपकार, ठीक है। कहते हैं जिस प्रकार सबसे बड़ा जो महात्मा थे वो थे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अपना स्वयं का सारा जीवन दूसरे के परोपकारी में बिता दिए, और उन्होंने दूसरे को अच्छे सुवचन अच्छे उपदेश दिए ताकि वो अपने जिंदगी में अच्छे कामों से अपने कर्मों से जीवन को मोक्ष की ओर लेकर जाए। हमें भी इसी तरह का मोक्ष की भाव रखना चाहिए और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा उपकार करना चाहिए। लास्ट में कभी और एक पंक्ति में कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ना मरे, मतलब मनुष्य वही है जो एक दूसरे मनुष्य के लिए मरे। अगला जो पंक्ति है उसमें कहा है रहो ना भूल के कभी मदांत तुच्छ बीत में, सनात जान आपको करो ना गर्व चीत में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अति भाग्यवान है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब क्या कहते हैं, मदांत मतलब होता है घमंड, तुच्छ मतलब बेकार, सनात मतलब जिसके पास अपना कोई हो, अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो। अगला है चित यानी कि मन, त्रिलोकनाथ मतलब ईश्वर, दीन बंधु मतलब भी ईश्वर, और उधीर मतलब उत्लवापन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्लवापन। इसमें कभी क्या कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को संपत्ति
धन दौलत यश का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि घमंड हम लोग का जो सबसे बड़ा नाश का कारण है। रावण को भी अपने अपने जो शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था, उसका भी बहुत ज्यादा नाश हो गया। ठीक है, उसी प्रकार कहते हैं कि हमें अपने साथ कैसा होना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए कि हम क्या है, सभी के लिए एक दूसरे का परोपकारी है। इस दुनिया में क्या है, सभी का कुछ ना कुछ साधन है। ठीक है, ईश्वर सबके साथ है और हमें उस ईश्वर का पालन करना चाहिए और हमें उस ईश्वर के प्रति दयावान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये जीवन प्रदान किया है। और अंत में फिर कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के लिए ही मरे, मतलब हम लोगों को मनुष्य एक दूसरे के मदद के लिए ही मरना चाहिए। अगला जो पंक्ति है उनमें कहा है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े समक्ष, वो स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परंपरा लम उठो बड़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंग चढ़ो सभी, रहो ना या एक से अनेक कम सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें देखिए, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष मतलब आकाश, समक्ष मतलब सामने, परालंब मतलब कि एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक मतलब देवताओं का गोद, और अगला है अपंग मतलब जो कलंक रहित है, जिस पर कोई किसी भी प्रकार का कलंक ना हो। इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता हैं। मतलब कवि कहते हैं कि आकाश में बहुत ज्यादा मात्रा में देवता है जो परोपकारी और दयालुता भावना रखे हुए अपने भुजाओं से क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, और हम लोगों को वो स्वभाव को, उस जो दयालुतापन को अपने अंदर रखना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, उसको दूसरे का सहारा बनाकर उसको मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार, हमारे अंदर ईर्ष्या, ये सब की भावना पनपे, ताकि हम ये अगर आपके अंदर पनपता है तो हम दूसरे का मदद नहीं करना चाहते हैं। और यही चीज लेखक नहीं हमें करना देने चाहता है, वो चाहते हैं कि हमें मनुष्य को मनुष्य की भांति दूसरे का मदद करे और मनुष्य होने का एक अपना जीवन को निर्वाह कर सके, जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उस जीवन का हम अच्छे तरीके से पालन कर सके। अगला जो पंक्ति में कहते हैं, मनुष्य मात्रा बंधु है वही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भी पिता प्रसिद्ध एक है, फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह भेद, परंतु अंधेर के प्रमाण भेद भेद है, अनर्थ है कि बंधु ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लाना मरे। मतलब कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें देखिए, बंधु मतलब कि भाई बंधु, विवेक मतलब कि समझ, स्वयंभू मतलब कि परमात्मा जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ है, अंतरिक्ष मतलब आत्मा की अकंठ, प्राणभूत मतलब कि साक्षी, व्यथा मतलब दुख और कष्ट। कवि क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में एक दूसरे का भाई और बंधु है, और ये सबसे बड़ी समझ है। हमारे पुराणों में, हमारे महान वेदों में, हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ में यही बताया गया है कि हर एक मनुष्य एक अन्य मनुष्य का भाई और बंधु है, और हमें मिलजुल कर रहना आवश्यक है। इसमें कहते हैं कि हम सभी जो पृथ्वी में जनसंख्या है, या फिर पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी एक परम पिता परमेश्वर के संतान हैं, और इसी प्रकार हम एक दूसरे के भाई बंधु हैं। तो फिर हमसे आपसी बैर किस प्रकार का, हमसे आपसी ईर्ष्या किस प्रकार का, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ परम मित्र के भांति, एक परम कर्तव्य के भांति एक दूसरे का मिल बांट कर मदद करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ वो संपर्क बनाना चाहिए, ताकि इसको देखकर हमारे परम पिता परमेश्वर को भी बहुत खुशी हो, ताकि उसने ये जीवन दिया है वो सार्थकता हमें प्रदान करे। अब अगला जो पंक्ति है कि विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ, बड़े ना भिवंता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें देखिए, अभिष्ट मतलब होता है इच्छित, मार्ग मतलब रास्ता, सहर्ष मतलब अपनी खुशी से, विपत्ति मतलब संकट, अतर्क मतलब तर्क से भरे, सतर्क मतलब कि सावधान यात्रा। कवि कहते हैं क्या है, ये जो पंक्ति है ये कविता के अंतिम पंक्ति है, और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने अंतिम वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग चुनते हैं। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे तो खुशी का भी मार्ग चुन सकते हैं, या फिर दुख का भी मार्ग चुन सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने खुशी और दुख के हिसाब से मार्ग चुनते हैं। वो खुशी या दुख कब से आता है, कि
कि मनुष्य वही चाहते हैं। अगर वो अच्छे स्वभाव अपने अंदर दयालुता रखते हैं तो वो खुशी का मार्ग चुनते हैं। उस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन वो बाधाएं धीरे धीरे हटती है और एक समय ऐसा आता है जब उसे उस खुशनुमा पल का अनुभव होता है। कभी कहते हैं कि कभी भी किसी से बिना तर्क किए उसका मदद करना चाहिए, उसकी संभावनाओं को समझना चाहिए और उसका मदद कर सके। इसी प्रकार कवि ने इस अंतिम पंक्ति में कहा है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां तक मैं ये कविता समाप्त करता हूं। आगे मैं इस कविता से जुड़े प्रश्न उत्तर और MCQ जल्द ही आपके उपलब्ध कराने का कोशिश कराऊंगा, और अगला जो वीडियो बनेगा उस अगला चैप्टर को लेकर। तब तक के बने रहने के लिए मेरे वीडियो में धन्यवाद, और इस जो जानकारी है इसको अपने दोस्तों और अपने और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वे अपने भविष्य की अच्छे रिजल्ट के लिए प्रिपरेशन कर सके और उसका तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छा अंक हासिल कर सके। धन्यवाद।